सेल्फी फिलोसफी चैनल और दो तीन दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। आज मैं आज नॉलेज की सीरीज है उसके अलावा एक टॉपिक है जो मैंने आपके लिए चुना है क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं जो हालात फ़िलहाल हैं तो अगर उसकी अकॉर्डिंग कोई टॉपिक दिया जाए तो बेहतर सही में आता है क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉलेज का जो मकसद है वो इंसान में चेंज लाना है तो इस टॉपिक की वो ज़रूरत थी इसलिए मैंने ले लिया। इसका मतलब आज का टॉपिक है मेरा कि हम दूसरों की जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। आज ये आदत बन चुकी है हमारी कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना। देखिए कुछ लोग तो शायद इसे पसंद करते होंगे कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं बहुत ही ज़्यादा कि जो पसंद नहीं करते दे डोंट लाइक कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें और किसी को पसंद भी नहीं होगा। देखिए आप किसी के फ्रेंड हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि काफ़ी क्लोज आ जाते हैं आप और आप एक दूसरे पर यकीन करने लगते हैं तो शायद पर्सनल चीज़ें होने लगें फिर आप उनको अपने घर की पर्सनल चीज़ें बताएं। लेकिन किसी से आप बहुत ही कम वक्त में अपने उनसे ही पूछना पर्सनल बात बताओ मुझे कुछ तो इससे आपके रिश्तों में ना बहुत ही ज़्यादा एक नाइत्तेफाकी हो सकती है। और ये तो चलो पूछने की बात है, हम दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं यार वो क्या करता है, मैंने उसे वहाँ देखा है खड़ा हुआ, उसके साथ मैंने किसी को देखा है, तो हम दूसरों के बारे में आखिर जानना क्यों चाहते हैं जबकि हम खुद के लिए पसंद नहीं करते। हम कभी पसंद नहीं करते कि लोग हमारे बारे में पर्सनल चीज़ें पूछें लेकिन हम दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि हम उनके बारे में इसलिए जानना चाहते हैं कि ताकि लोगों को बता सकें, हमें इसमें मज़ा आता है। यानी कि पता नहीं क्या है नेचर है इसे हम क्या कहेंगे कि दूसरों के ऐबों को दूसरों की कुछ खामियाँ कुछ बुराइयाँ उनकी हम तलाश में रहते हैं ताकि दूसरों को बता दें। किसी ने कहा है कि आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता और आप कहाँ गलत थे इसे कोई भूलता नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड जो मैंने आपको बताई है, किसी फिलोसफर ने कही है आप इसे याद रखें। और लोग हमेशा हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं कब आपसे गलती हो, लोग आपके साथ कितनी भी अच्छी बातें कर लें और आप उनके साथ कितने अच्छे पेश आएँ लेकिन आपकी गलती की तलाश में रहते हैं वो। जिस दिन वो आपसे गलती हो गई तो फौरन वो दुनिया के सामने ले आएंगे उसे और उन्हें इसमें अच्छा लगेगा, यानी आपके आपको बेनकाब करने में उन्हें अच्छा लगता है और दूसरों को आपके बारे में बताना। आजकल स्टूडेंट्स में भी चीज़ें देखी जा रही हैं कि मैंने आपको बताया था मेरा चैनल स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें खुद के लिए भी है कि स्टूडेंट्स अपने वर्क पर ध्यान ना देकर अपने वर्क पर अपने एग्जाम्स और अपने मार्क्स पर ध्यान ना देकर वो इस बात की तलाश में रहते हैं क्लास में क्या हो रहा है, दूसरी क्लासेस में क्या चल रहा है, किसकी किससे फ्रेंडशिप है, मतलब ये उनसे क्या लेते हैं, हैव नथिंग टू डू विद दिस, उन्हें अपना काम करना चाहिए। और मैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी है, ये सभी के लिए है। आप अगर देखो कुछ चीज़ें ना जानना ही बेहतर होता है, ऑलवेज रिमेंबर कुछ चीज़ें आप नहीं जानोगे तो बेहतर है। अगर आप हर चीज़ जानना चाहते हैं ना कहाँ क्या चल रहा है तो ये एक तो आपके दिमाग पर एक बोझ बन जाएगा, बर्डन बन जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको और आपकी इससे ना जो स्टडी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा और आप फेल हो जाएंगे या आपके मार्क्स कम आएंगे और बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो दूसरों की अगर कोई चीज़ आपने देखी है ना तो उस पर आप पर्दा डाल दीजिए, यानी किसी को ना बताइए। ये अगर उसे सही होना होगा एहसास हो जाएगा या अकेले में समझा दीजिए उसे आप, यानी अगर आप उसे समझाना चाहते हैं और वाकई आप उसके हमदर्द हैं तो समझाइए उसे आप, ना कि दूसरों को बताएं। मतलब आपने उसकी बात दूसरों को बता दी तो इससे वो सुधरेगा नहीं, आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ खामियाँ हैं। हम जितने भी हैं ना दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे गलती नहीं हुई, हर इंसान से गलती हुई है। तो वो चाहता है कि किसी को पता ना चले, हम ये चाहते हैं हमारे जो खामी है हमारी जो बुराई है हमारा जो पाप है किसी के सामने ना आए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो किसी के सामने ना आए तो दूसरों की बुराइयों पर आप पर्दा डाल दीजिए, पर्दे का मतलब छुपा लीजिए उसे आप। तो जब आप दूसरे की बातों को छुपाएंगे ना, दूसरे की खामियों को ऐबों को, तो ये आपके ऐप छुपेंगे। ऊपर वाले का सिस्टम है कि वो तुम्हारी बुराई पर पता डाल देगा। ये बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर की निशानी है। ये कैरेक्टर नहीं होता कि सब कुछ उछालते फिर वो आप पूरी सोसाइटी में वो इंसान ऐसा कर रहा है, आपका क्या फ़ायदा होगा उसमें। भाई आपका अच्छे इंसान की पहचान ये है कि वो इंसान को अकेले में नसीहत करे, तन्हाई में समझाए कि ऐसा नहीं किया करते। आप उसे महफिलों में सभी के सामने बदनाम और बेइज्जत कर रहे हो, सो ये बिल्कुल दिस इज़ एब्सोल्युटली रोंग। रोंग का मतलब ये समाज के, अगर समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब भी रोंग है और तुम अगर इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से तब भी रोंग है। अगर आप किसी रिलीजन को भी ना मानो, मैं ये नहीं कहता मानो, अगर ना भी मानो तो खुद सोच के देखिए आप, जो चीज़ आप खुद पसंद नहीं करते तो दूसरों के लिए मत करो। बस ये उसूल याद रखिए आप, जो भी चीज़ आप खुद के लिए पसंद नहीं करते नेवर डू इट विद अदर्स।
दूसरों के साथ उसे मत करो, अगर आप इस पर गौर कर लोगे ना तो आपका कैरेक्टर अच्छा बन जाएगा। तो आज मैंने आपको इस चीज़ पर बताया कि दूसरों के जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, आपको पता है, उसे छुपाइए आप तो आपकी भी छुपेंगी। और एक चीज़ ये है कि दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, तो ये चीज़ें आपको एक अच्छा इंसान बना देगी। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही था, हम नॉलेज की सीरीज़ को कम्प्लीट करेंगे, तो दूसरी वीडियोज़ का आप इंतज़ार कीजिए मेरा। टिल देन बाय बाय।